थोड़ा सा मैं इसमें ये भी डालूंगी, ये एसेंस है, आप कोई भी एसेंस ले सकते हैं, ऑरेंज फ्लेवर, वेनिला, चॉकलेट, एनीथिंग, जो आपकी सूट क्रीम को काफी अच्छा फ्लेवर देगा। कच्चा दूध मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा सूट भरने के लिए इसमें थोड़ा सा शुगर का जो पाउडर है, शुगर पाउडर वो मिक्स करूंगी। एंड देन आई मिक्स इन दिस, कच्चा दूध ले लिया है ये देखिए, एंड देन आई पोर इट इनटू दिस क्रीम बोल। इसको काफी अच्छी तरह से व्हिप करना पड़ेगा ताकि इसके अंदर शुगर पाउडर ठीक से मिक्स हो जाए और आपको एक नेचुरल फ्लेवर लगे एसेंस डालने के बाद। वेरी इजी, आप इसे कभी भी बना सकते हैं, इसीलिए बस जब भी आपको डेजर्ट के लिए मन करता है बना सकते हैं। के अंदर ये डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से पहले व्हिप करूंगी ताकि ये इसके अंदर ऑल मिक्स हो जाए। एक बार ध्यान देनी कि जो बनाना होता है उसे हम जब ही डालेंगे जब हम उसे सर्व करेंगे, बिकॉज बनाना जो है अपना फ्लेवर छोड़ देता है और बनाना बहुत देर तक आप करते हैं थोड़ा सा गल जाता है, उसे हम बना के डाल नहीं सकते, रख नहीं सकते, एट द मोमेंट पे परोसते हैं। आप इसमें कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं एज यू लाइक, आपको जो फ्रूट अच्छा लगता है। इवन इसमें आप वो फ्रूट भी डाल सकते हैं कि जो बच्चे नहीं खाते या हम नहीं खाते, तो वो इसमें काफ़ी अच्छा लगेगा। आप इसमें वनीला एसेंस की 3-4 बूंदें, और अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो 8-10 बूंदें भी डाल सकते हैं। ये फ्लेवर के लिए है, जो आपको काफ़ी इसे अच्छा रहेगा, बच्चों को अच्छा लगता है, जो बच्चे दूध नहीं पीते उनके लिए बहुत अच्छा होता है, या फ्रूट नहीं खाते हैं तो आप उन्हें ये बना के खिला सकते हैं। अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए, कम से कम 15-20 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि ये एक तरह से मिक्स और फ्रूट्स के लिए ये रेडी हो। ये फ्रूट्स काट लिए हैं, सॉरी मैं दिखा नहीं सकती बिकॉज मेरे पास इतने साधन नहीं है कि मैं आपको पूरा वीडियो बनते हुए दिखाती। अब इन कटे हुए फ्रूट्स को हम अपने इस क्रीम में, जो व्हिप की हुई क्रीम है जो हमने रखी है 15 मिनट तक, इसमें डाल देंगे। जैसे मैंने आपको बताया, आप इसमें कोई भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, जो फ्रूट आपको पसंद हो। ये एक ऐसा डेजर्ट है कि आपको टेस्ट के साथ साथ आपकी हेल्थ वाइज भी बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इसमें मैंने ये जो फ्रूट डाले हैं ये सारे हैं मोस्टली, आप चाहे जैसे पपाया भी डाल सकते हैं और पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं, बट मैंने थोड़े बहुत डाले हैं बिकॉज मेरे घर में इतने फ्रूट किसी को पसंद नहीं। और दूसरी बात है कि आप इसमें बनाना जैसे आप सर्व करते हैं, मैंने पहले बताया, आप तभी उसे डालें। सो आपको कैसा लगेगा ये वीडियो, ये तो आप ही बताएंगे। टिल देन गुड बाय, एंड प्लीज़ शेयर एंड लाइक माई चैनल, माई ब्लॉग। मैं उसमें शॉर्ट भी डालती हूँ वीडियो, और मैं अब ये दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो जो मैंने अभी बनाया है। ओके फ्रेंड्स, बाय।